जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से दे सकते, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है,
जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें, सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार की। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं स्वयं विचार की। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई
किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर